मिस्टर चिकी बात करते हैं, कौन है मिस्टर चिकी, है मिस्टर चिकी, ठीक है ना। इनके मम्मी ने इनको क्या किया, इनके मम्मी ने इनको 20 रुपये दिए, ठीक है ना। कितने रुपये दिए मम्मी ने, 20 रुपये दिए। अब जब मिस्टर चिकी को 20 रुपये मिल गए तो दौड़े दौड़े कहाँ पे गए, दुकान पे गए, ठीक है ना। इनने बोला सर भैया मुझे चॉकलेट दे दो। गुड मॉर्निंग गाइस, चैंटिंग चाणक्य एकेडमी की लाइव विद इकोनॉमिक सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं क्या यूटिलिटी क्या होता है। लेट मी रिमाइंड यू कि यूटिलिटी क्या होता है, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। जब भी हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं तो वो हमारी किसी ना किसी नीड को सेटिस्फाई करती है, और नीड सेटिस्फाइंग पावर को ही हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ब्रेड खाई तो हमारी भूख मिट गई, तो एक नीड हमारी पूरी हुई। हमें सर्दी लग रही थी तो हमने क्या किया, स्वेटर पहना, हमारी दूसरी नीड सेटिस्फाई हो गई। हमने क्या किया, नाउ वी वांट टू राइट सम टॉपिक ऑन नोटबुक, तो हमने पेन ले लिया, तो पेन ने हमारी राइटिंग नीड को पूरा कर दिया। इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। अब हम आते हैं किस पे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो डेफिनेशन समझने से पहले हम इसके एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे। पहला आता है हमारा डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना या फॉल होना। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ये वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ, और अगर आप अब तक आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप जाके वीडियो देखिए। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहाँ पे आपको फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी के नाम से वीडियो मिल जाएगा। फिर भी एक बार हम रिमाइंड करते हैं क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी की एक सिंगल पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करने के बाद उस पर्टिकुलर यूनिट से जो भी हमको सेटिस्फेक्शन मिला उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं, पहले कॉलम में यूनिट्स दी गई हैं, दूसरे कॉलम में टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन दिया गया है, थर्ड कॉलम में दिया गया है मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उस पर्टिकुलर यूनिट से हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला। हमने पहली यूनिट कंज्यूम की तो हमको मिले कितने, 80 यूटिल्स, ठीक है। टोटल यूटिलिटी भी कितनी हो गई, 80। मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी हो गई, 80। फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 80 यूटिल्स है। सेकेंड यूनिट हमने कंज्यूम की, सेकेंड यूनिट हमने जब कंज्यूम की तो हमको नहीं पता कि हमको इससे सेकेंड यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली। हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ के कितना हो गया, 140 यूटिल्स हो गया। अब हमें यह पता करना है कि सेकेंड यूनिट से हमको कितनी यूटिलिटी मिली, तो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 140 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन करने के बाद हमको कितने यूटिल्स मिले बेटा, 60 यूटिल्स मिले। क्लियर है। तो सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, 60। क्लियर है। अब हम आते हैं क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझते हैं। तो इस लॉ को प्रोपाउंड करने वाले या फिर फाउंड करने वाले जो थे हमारे, वो कौन थे, प्रोफेसर H.H. गॉसेन थे। इसीलिए इस लॉ को हम गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आता है कि गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। जब भी हम किसी कमोडिटी की और ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, अगली, तो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो लास्ट यूनिट के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, पहली यूनिट से हमको मिले कितने टोटल, 80 यूटिल्स। सेकेंड यूनिट से कितने मिले हमको, 60 यूटिल्स मिले। अब अगर हम थर्ड यूनिट भी कंज्यूम करते हैं तो हमको और कम यूटिलिटी मिलेगी। मान के चलो ये कितना हो गया हमारा, 170 हो गया, तो कितनी यूटिलिटी मिली, 30 यूटिल्स। लगातार ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फर्स्ट से 80, सेकेंड से 60, थर्ड से 30 यूटिल्स हमको मिले। यही होता है क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखते हैं हम। नाउ वी कम टू द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU। Assumptions मतलब क्या होता है कि किसी भी लॉ को ऑपरेट होने के लिए कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है, तभी वो लॉ क्या होगा, फंक्शनल होगा, तभी वो लॉ काम करेगा, अदरवाइज वो लॉ काम नहीं करेगा। देखते हैं क्या क्या assumptions माननी हमको। पहला assumption है हमारा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी।
हम ये मान के चलते हैं कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल नंबर से मेजर कर सकते हैं, इट्स जस्ट लाइक कैलोरीज, कि हमने कोई भी चीज़ कंज्यूम की तो उससे हमें कितनी कैलोरीज मिली, एग्जैक्टली मेजरमेंट हमने कर लिया, सेटिस्फेक्शन को हमने मेजर कर लिया, पहला एजम्पशन। तभी तो हमें पता चलेगा भाई डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है ना, जब हम कार्डिनल नंबर मेजर करेंगे तो। दूसरा था कि मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये वाला पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि जो भी हमको कमोडिटी का कंजम्पशन करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिला है उसको हम मनी के टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि 100 रुपीज़ की सेटिस्फेक्शन मिला हमको, 500 रुपीज़ का सेटिस्फेक्शन मिला, 300 रुपीज़ का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, ये भी हमें मान के चलते हैं, ये दोनों पॉइंट बहुत ईजी हैं। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं क्या, कंटिन्यूस कंजम्पशन और नो ब्रेक इन कंजम्पशन। किसी भी कमोडिटी का जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर ब्रेक आ गया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने कम होने की जगह पे बढ़ भी सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने अभी एक ग्लास पानी पिया, ठीक है, तो आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई। सपोज करो आपको 100 यूटिल्स से मिले, ठीक है, आपने 2 घंटे बाद फिर से एक ग्लास पानी पिया तो हो सकता है उस टाइम पे प्यास ज़्यादा लगी हो, तो आपको क्या होगा, यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, 100 की जगह 180 मिल गए, 160 मिल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी यूटिलिटी तो बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि कंजम्पशन में ब्रेक आ गया। अगर वही सेकेंड ग्लास आप तुरंत पीते तो फिर क्या होता, पहले से आपको 100 मिले थे, दूसरे से पक्का था कि 70 मिलते, 60 मिलते, 80 मिलते, कम मिलते, कितने भी कम मिलते। क्लियर है, तो कंजम्पशन में कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर ब्रेक आ गया तो हमारा लॉ फंक्शनल नहीं होगा, लॉ हमारा वायोलेट हो जाएगा, यूटिलिटी कम होने की जगह बढ़ भी सकती है। अब हम आते हैं किस पे, फोर्थ पॉइंट पे, नो चेंज इन क्वालिटी एंड प्राइस। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम 6th नंबर पॉइंट देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। हमें मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उसकी एक रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। अब रीजनेबल क्वांटिटी क्या होती है, जैसे मान के चलो हम पानी की बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग हियर ग्लास फुल ऑफ वाटर, फुल ग्लास पानी की बात कर रहे हैं। पहला ग्लास आपने पिया, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा पिया, कम मिला। अगर इसी पानी को आप ग्लास की जगह छोटे वाले चम्मच से, टेबल स्पून से पीने लगो तो क्या होगा, यूटिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, यूटिलिटी ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। ठीक है, या जिस ड्रॉपर से बच्चों को दवाइयाँ पिलाई जाती हैं उस ड्रॉपर से आप पानी पीना शुरू कर दो तो यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी, नो, यूटिलिटी विल इंक्रीज, क्योंकि यहां पे जो क्वांटिटी है वो क्या है, रीजनेबल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर है, अगला पॉइंट हम आते हैं क्या, नो चेंज इन क्वालिटी एंड प्राइस। नो चेंज इन क्वालिटी एंड प्राइस, क्वालिटी में और प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हमारा लॉ क्या होगा, वायोलेट होगा। अगर मान के चलो कि हमने पहली यूनिट पहली यूनिट जो हमने कंज्यूम की वो किटकैट की कंज्यूम की, ठीक है ना, सेकेंड यूनिट जो हमने कंज्यूम की वो किसकी की, 5 स्टार की कंज्यूम की, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वालिटी चेंज हो गई, तो आपको क्या हो सकता है, आपको ज़्यादा यूटिलिटी भी मिल सकती है सेकेंड वाले यूनिट से, सेकेंड वाले चॉकलेट से, क्योंकि क्या हो गया, क्वालिटी यहाँ पे चेंज हो गई है। प्राइस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिस्टर हमारे एक हैं मिस्टर चिकी, ठीक है ना, मिस्टर चिकी क्या करते हैं, ही वेंट, मिस्टर चिकी बात करते हैं, कौन है मिस्टर चिकी, ये है मिस्टर चिकी, ठीक है ना, इनकी मम्मी ने इनको क्या किया, इनकी मम्मी ने इनको 20 रुपये दिए, ठीक है ना, कितने रुपये दिए मम्मी ने, 20 रुपये दिए। अब जब मिस्टर चिकी को 20 रुपये मिल गए तो दौड़े दौड़े कहाँ पे गए, दुकान पे गए, ठीक है ना, इनने बोला सर भैया मुझे चॉकलेट दे दो, तो भैया ने क्या किया, पहला चॉकलेट इनको दे दिया, कितने रुपए का दिया इनको, 10 रुपीज़ का पहला चॉकलेट दिया, ठीक है ना, इससे जो इनको यूटिलिटी मिली वो कितनी मिली, 100 यूटिल्स मिले इनको। ठीक है, अब इनके पास एक और 10 का नोट बचा हुआ है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दूसरी चॉकलेट का भी ऑर्डर किया, ठीक है, दूसरी चॉकलेट का भी क्या किया, ऑर्डर किया। दुकानदार ने क्या बोला कि अगर आप सेकेंड चॉकलेट खरीदते हो तो सेकेंड चॉकलेट में आपको 6 रुपये की दे दूंगा, कितने की दे दूंगा भाई, 6 रुपये प्राइस है। तो इनने सेकंड चॉकलेट भी क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, ठीक है। अब इस चॉकलेट से इनको जो यूटिल्स मिले वो मिले कितने, 120 यूटिल्स। यहां पे लॉ क्या हो गया, वायोलेट हो गया, हमारी यूटिलिटी कम होने की जगह पे क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहां पे 100 मिले थे, यहां पे 120 मिले, यूटिलिटी तो बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस उन्होंने कम पे किया है सेकंड वाले चॉकलेट का। यूटिलिटी बीइंग अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कैसा कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। मिस्टर चिकी को लगा कि चलो ठीक है भाई, यहाँ पे हमको क्या था,
मान के चलो उनको पता था कि यहाँ पे 100 यूटिल्स मिले, यहाँ पे हमको 80 यूटिल्स मिले हैं, 90 यूटिल्स मिले हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आई हैड पेड ओनली 6 रुपीज फॉर द सेकेंड चॉकलेट, तो उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो क्या हो गया, बढ़िया हो गया, ओके हो गया, गुड हो गया, फीलिंग गुड वाला हो गया। तो उनको कितने यूटिल्स मिले, 120 यूटिल्स मिले। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि प्राइस कम होने से यूटिलिटी क्या हो सकती है, बढ़ भी जाती है। तो प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्वालिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, रेशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रेशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर साउंड माइंड है, कंज्यूमर लॉजिकल है, उसको मार्केट का पूरा नॉलेज है, उसको लॉ ऑफ डीएमयू का नॉलेज है, तभी वो क्या होगा, उसके ऊपर ये लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा। अगर कंज्यूमर हमारा इरेशनल है, कंज्यूमर अनसाउंड माइंड है, कंज्यूमर हमारा क्या बोलते हैं, मैनियाक है, पागल है, ठीक है, या फिर नशेड़ी है, तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि दो चूहा ड्रंकर्ड, हैवी ड्रंकर्ड है ना, या नशे में रहते हैं, तो वो कंजम्पशन करते जाते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या होता है, लॉ ऑफ डीएम वायोलेट हो जाता है। लास्ट आता हमारा क्या, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, होप ऑल द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू। If you enjoyed the video, then please do subscribe, like and share. And yes, don't forget to take the screenshot.